हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पिछली वीडियो में जैसे किया था उसमें हमें वेरीफाई करना था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पर आपको फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हर एक केस के अंदर जो आपको दिए हुए हैं। बहुत सारे पार्ट इसके अंदर है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी बुक खोलकर भी देख सकते हैं। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट है, ये आपको दे रखा है, ये है आपका पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर है एक्स प्लस 5 के। अब यहाँ पे जो है आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो आप जो है इसमें भी जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम चीज आप लिख सकते हैं। वी हैव पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, मतलब जो हमें दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है। इसके बाद में आपको जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, दैट मींस पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है। अब पी एक्स जो है क्योंकि वो जीरो के इक्वल है और पी एक्स आपको दिया किसके इक्वल है, एक्स प्लस 5, यानी कि एक्स प्लस 5 को आपको बराबर रखना है किसके, जीरो के, ठीक है। यहां से आपके पास में एक्स की कोई वैल्यू आएगी, कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, इधर जाके माइनस का 5, मतलब एक्स बराबर आ गया माइनस 5 के। यही आपको फाइंड आउट करना था। इसके बाद में आप लिख सकते हैं दस द जीरो ऑफ एक्स प्लस 5, यानी कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है इज क्या दिया हुआ है, माइनस 5, जो हमने फाइंड आउट किया है। ये आपका आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का, ऐसे सॉल्व करना है आपको, मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें क्योंकि हमें जीरो पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है तो आपको उसे जीरो के इक्वल रखना है। पॉलिनोमियल में क्या दिया है, ये दिया हुआ है, जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की कुछ ना कुछ हमारे पास में वैल्यू निकल कर आएगी। यहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाता है। अब इसी तरीके से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। सो नेक्स्ट जो है उसमें आपको दिया हुआ है एक्स माइनस 5, सो यहाँ पर भी आपको लिखना है वी हैव पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 इक्वल, और आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, सो पी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। ये चीज आपकी जीरो के इक्वल है और ये आपको दे रखा है कि ये एक्स माइनस 5 के इक्वल है, तो इसे आप बराबर रखोगे जीरो के, तो एक्स इक्वल टू प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 5, जैसे उल्टा किया है वो समझ सकते हैं, जैसे पहले था उसका उल्टा हो गया, x प्लस 5 आ गया। सो स्टेटमेंट आपकी वही सेम रहेगी यहाँ पर, दस द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस 5 इज प्लस 5, बस बिल्कुल सेम ही था यहाँ पर, बाकी कोई डिफरेंस इसके अंदर नहीं है, करना आपको इसी तरीके से है। और सेकेंड पार्ट जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्लस 5। थर्ड पार्ट जो है इसमें भी हम यहीं पर ही कर लेते हैं, पी एक्स बराबर है 2x प्लस 5 के, तो यहां पर भी हम लिख देते हैं यही सेम चीज, 2x प्लस 5 के इक्वल है। अब यहां पे हमें पता है क्योंकि हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो ये आपका जीरो के इक्वल रहेगा, तो यहां पर आपको दिया हुआ है 2x प्लस 5, इसको आप रख दीजिए इक्वल जीरो के। यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं x की वैल्यू, तो x आपका 2x सबसे पहले आप निकाल सकते हो तो ये माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां से आप x निकालोगे यहां से तो ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है ये यहां पर चले जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/2। सो आप यही स्टेटमेंट फिर से लिख सकते हैं, दस द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको गिवन है 2x प्लस 5 इज, कितना आया सॉल्व करने के बाद में, माइनस 5/2। सो ऐसे आपका आंसर हो जाता है इसके थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट जो है वो भी बिल्कुल सेम तरीके से आप कर सकते हैं, 3x माइनस 2 पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x माइनस 2। अब ये जो है आपका जीरो के इक्वल रहेगा तो 3x माइनस 2 जो है इसको आप इक्वल रख दो जीरो के, यहां से निकाल दो आप x की वैल्यू, तो 3x अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 के इक्वल, यहां पर मैं लिख देती हूँ 3x बराबर हो जाएगा माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, एक्स जो है इसको आप निकालोगे यहां से तो ये 3 जो था मल्टीप्लीकेशन में ये जाएगा इधर डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 2/3 आएगी यहां से,
फिर से आप ये स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हो, दस द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल आपको गिवन है 3x-2 इज एक्स बराबर कितना है 2/3। तो स्टेटमेंट आपकी ये हो गई बस, दस द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल इज 2/3, ये आपका हो जाता है इसमें इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट में आपको दे रखा है सिर्फ 3x, बस 3x दिया हुआ है, तो पॉलिनॉमियल आपका 3x हो गया है। 3x को ही हम 0 के इक्वल रख देते हैं, तो 3x बराबर हो गया 0 के। यहाँ से आप x फाइंड आउट कर सकते हैं, तो x भी कितना हो जाएगा 0 जाएगा, 3 आप उधर लेके जाओगे लेकिन आंसर में तो तब भी आपका 0 ही आना है। अब यहाँ पर आप सेम चीज लिख सकते हैं, 10 द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल क्या है 3x इज 0, ये आपका आंसर हो जाता है इस पार्ट का, ये आपका हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है px इज इक्वल्स टू ax एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं है, जो भी दिया है आपको आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए, px बराबर ax की है इक्वल, और px जो है बिकॉज हम 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें इसको जो यानी कि जो भी पॉलिनॉमियल दिया होता है उसको हमें 0 के इक्वल रखना होता है, तो आपका जो ax गिवन है इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से आप x फाइंड आउट करेंगे तो फिर वही है, डिवाइड होके तब भी आपका 0 ही आएगा, तो यानी x की वैल्यू 0 ही है यहाँ पर। स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, पॉलिनॉमियल आपको गिवन है ax का 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 0, ये आपका इस पार्ट का आंसर हो जाता है इसके सिक्स्थ पार्ट का। अब इसमें हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर जो आपको लास्ट पार्ट गिवन है ये है px बराबर cx plus d, इसमें c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। यहाँ पर जो भी पॉलिनॉमियल आपको गिवन है यानी कि cx plus d, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं cx plus d है, हमें 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है, ये 0 के इक्वल रहेगा यानी कि cx plus d इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, तो cx सबसे पहले हम निकाल लेंगे तो माइनस d हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से x कितना हो जाएगा, तो ये c मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो माइनस का d बाई सी आएगा। तो द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल यानी कि सी एक्स प्लस डी इज माइनस का d अपॉन सी। ये इस तरीके से आपके आंसर हो जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के। कैसे हमने इसमें सॉल्व किया है, इससे पहले जो था उसमें हमें 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल के लिए वेरीफाई करना था, यहाँ पर हमें उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, आगे भी इसका आपको यूज आएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से जो है इस चीज को देख सकते हैं, वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है तो जो पॉलिनॉमियल है उसको हमें 0 के इक्वल रखना होगा। ये पॉलिनॉमियल आपको गिवन है, इसको अगर हम 0 के इक्वल रख देते हैं तो हमारे पास में x जो वेरिएबल है उसकी हमारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, नंबर्स भी हो सकते हैं इस तरीके से, आपके पास में कोई अल्फाबेट में भी आ सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया है, जो भी आएगा वही आपकी इसमें आंसर हो जाते हैं यानी कि वही वैल्यू है। ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। ये सोल्यूशन अगर आपको अच्छे लगते हो, पसंद आता है सोल्यूशन, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसे ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।